गिर ही रहा है, कैसा कुआ है, वक्त अब खुदा ही रहना। भीनी भीनी सी है जो राते राते जो तेरी बातों पे बातें बनाए ना। अरे भागे भागे रे मनवा, माने ना माने जो तेरी यादें सो यादें सताए ना। खामोशी। हाय गाइस, तो कैसे हैं आप सब? वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा थोड़ा सा व्लॉगिंग थोड़ा सा लेट हो गया है, क्योंकि मतलब मैं बहुत टाइम बाद ऐसे अपलोड करती हूँ। मैं रेगुलर नहीं हूँ काफ़ी दिनों से, बीच में मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी और सो और आने जाने में मतलब मैं जाती हूँ, मैं थक जाती हूँ, मेरा पूरा दिन ऐसे चला जाता है, तो इसलिए। बट मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं रेगुलर रहूँ। तो अभी मैं जा रही हूँ पार्लर अपना ब्लो ड्राई करवाने, तो आप भी चलो मेरे साथ, फिर मैं आपको आके पूरा प्लान बताती हूँ कि क्या है आगे का प्लान, हम कहाँ जा रहे हैं। सो या किसके साथ जा रही हूँ, स्टे ट्यून्ड गाइस। ये धूप है ना, मैं बता नहीं सकती, बट क्या कर सकते हैं अब। ऐसे ही घर के पास ही है सड़क क्रॉस करके, वैसे तो कोई चक्कर नहीं है, बट धूप बहुत है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो हम कुछ खोने के लिए कुछ पाने के लिए आ गए कुछ खो के। आई मीन धूप सहन करो और समझ जाओ भाई, कैसे बोलते हैं सब, समझ जाओ। अच्छे लग रहे हैं गाइस, बहुत अच्छे लग रहे हैं गाइस, ये देख सकते हो गाइस। परी हूँ मैं, जब गाइस मैं पूरा तैयार होंगी ना तो आपको दिखाती हूँ घर जाके, ठीक है गाइस? गाइस मैं निकल चुकी हूँ, वहाँ जाके मैं आपको अपनी फुल ओटीटी जो भी है अपने आउटफिट दिखाऊंगी। मैं बहुत जल्दबाजी हूँ क्योंकि वो दिल्ली आई आने पहुँच गई है और मैं अभी घर से निकल रही हूँ, और मैंने उसको कहा कि मैं निकल चुकी हूँ, मैंने उसे झूठ बोला। अभी मैं ऐसे इसलिए जा रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत धूप लग रही है, क्योंकि गर्मी है ना इसलिए। चलो अब मैं आपको मेट्रो स्टेशन पर जाकर मिलती हूँ। सो या मैं जा रही हूँ, गैस 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 वैसे आप लोगों ने देख लिया होगा, मैं जा रहा हूँ बच्चों का टीला। सो यार बहुत टाइम से प्लान बन रहा था पर जा नहीं पा रही थी, बट अब फाइनली जा रही हूँ। और किस तरह जा रही हूँ वो आगे जाकर आपको पता चलेगा। स्टे ट्यून्ड गाइस। गाइस बताओ क्या हुआ, देख लिया था ठीक है, हाय तो कर दो बेशर। हाय रेडी रेडी बोल बोल। हेलो हेलो एवरीवन, ठीक है? तो गाइस बताओ अभी क्या हुआ, मैंने इसको देख लिया था हमने भी, तो मैं व्लॉग बनाना भूल गई, फिर मैंने जब हर बात से स्टार्ट करी ना हमने ना ऐसे कचल नकली में बनाते हैं, वो हुआ ही नहीं आराम से, नकली चीज़ें नहीं होती वहाँ, पोपट ही हो गया सही में। तो ये है मेरी दोस्त, बचपन की दोस्त है, मतलब पहले जब हम टिंगे पिंगे थे तब हम एक साथ खेलते थे, पर ये अपने नानी के घर कम आती थी। ये घर मेरे घर के पास नहीं रहती, वैसे ये बताऊँ कहाँ रहती है, पालमपुर। ये अपने नानी के घर आती है तभी मेरे से मिलती है, तो अभी हम बाहर जाते हैं फिर आपसे मिलते हैं।
गाइस तो हम निकल चुके हैं मेट्रो स्टेशन के बाहर से, और पीछे ही आप देख सकते हो ये है, क्या है, फूड बस इंडिया। हमें पता नहीं था कि फूड बस इंडिया इधर है, फूड बस इंडिया इधर है, फिर आवाज़ नहीं आएगी ना, तेज चिल्ला के बोल सकते हैं हम पब्लिक प्लेस है तो हम बाद में आएंगे इधर कभी, तो अभी जा हम डिसाइड करा वहाँ चलते हैं, लेट्स गो। तो चल भाई अपना नाम तो बता दे, इंट्रोडक्शन तो दे। हेलो मेरा नाम दीक्षा है। आराम से। वाह। हेलो मेरा नाम दीक्षा है, अदर नूर की दोस्त हूं। नूर कोई नहीं जानता भाई, नूर नूर करते रहते हैं। वरनप्रीत कौर। हाँ। यस गाइस। तो अभी हम जा रहे हैं, एक्चुअली हम अपने पैसे बचा रहे हैं, हम पैदल जा रहे हैं मेट्रो स्टेशन से, देख रहे हो पैसे बचा रहे, क्योंकि यार इधर रिक्शे वाले ना सब हाय हाय बताते हैं, तो हम अपने पैसे बचाएंगे, हम कंजूस नहीं हैं बट हम सेव करते हैं। सो या हम आपको मिलते हैं उधर जाके। ये तो साथ मेरी आंटी बैठी थी, वो अपने दोस्त को बोल रही मेरी बेटी ना कितनी प्यारी है, एडजस्ट कर लेती है जैसे मैं हूँ वैसे मेरी बेटी है, मेरी परछाई है आसमान में। तो गाइस ये मेरे लिए तो क्या लाई है, बाल मिठाई जो कि उत्तराखंड की फेमस होती है, मैं इसको टेस्ट करके बताऊँगी, खाओ टेस्ट करके बताती हूँ कि कैसी है, पहली बार खा रही हूँ, तुम भी खाओ बहन, तो तेरे को पाने लाई हूँ। और बहन ये ना बहन कह रही हो गाइस ये ना चॉकलेट है, ठीक है, चॉकलेट वाली मिठाई कहते हैं ना सर, बहुत पॉपुलर है। और एक और होती है बाल मिठाई, तो सिमिलर टेस्ट इधर भी मिलते हैं ना बाकी। गाड़ी वाले हमें देख के जा रहे हैं क्या पता उन्हें भूख लग रही हो कुछ ना खाने के लिए। वाह तू खा, मैंने खा लिया, मैं भी नहीं खाती, मैं भी खाती, रख दे बाद में खा लेंगे, घर लेके जाइए। पर ना गाइस ये ना स्वाद थी, मैंने सॉरी मैंने फर्स्ट टाइम खाई है, स्वाद थी गाइस, आप भी खाना और मुझे भी खिलाना, मेरे घर में डिलीवर कर देना। लोग हमसे पूछ रहे हैं रास्ता, हमें क्या पता भाई, हम भी तो पहली बार ही आए। गाइस हमारे बैंड बज रही थी, देर बाद हमें एक फाइनल। एंटर हो गए हैं रेफ्यूजी मार्केट, इधर बहुत सारे ऐसे शॉप्स वगैरह हैं, वो मैं आपको दिखा दूँगी बाद में। तो अभी हम जा रहे हैं, सबसे पहले हम खाएंगे लाफिंग, फिर बताते हैं कि क्या करने वाले हैं हम। से बात करें इस सुंदर से प्लेस की, इधर मैं वैसे लाफिंग ले रही हूँ जो कि इधर की फेमस डिश है, अब आपको दिख रहा होगा एक मंदिर यहाँ है, दिस इज़ अ गॉर्जियस एंड कलरफुल मोनेस्ट्री इन मजनू का टीला, ठीक है। इधर सही बोलूँ बहुत ज़्यादा शांति थी, मतलब आप ज़रूर इधर आके विज़िट करें, बहुत ज़्यादा पीस था, शांति थी, और स्ट्रीट फूड बहुत मस्त है, आप ज़रूर आएँ और ज़रूर विज़िट करें। कैसे लगा? अच्छा है, नॉट बैड। देखो क्या अच्छा लगा इसमें है, तो बस ये गोल्ड रोली, बट हाँ स्वाद है, कुछ तो आ रहा है टेस्ट यार, स्वाद है इतना, नॉट बैड पर हाँ स्वाद। टेस्ट करो बहन कैसा लगा, स्वाद है यार, पता नहीं लोग कहते थे बस वो रोल है, पर स्वाद है यार, मस्त है यार, एक और ले, स्पाइसी एक और ले, स्वाद है ना, ले एक और बता।
गाइस इधर बहुत ज़्यादा शांति है, मतलब आप सुन ही सकते हो पीछे की ज़्यादा आवाज़ें भी आ रही है, सब अपने अपने में मतलब, और पीछे ऐसे आसपास शॉप है, सामने मंदिर है, तो मैं आपको उसका पूरा दिखाऊंगी पहले हम खा लें। अरे देख लो अब इधर अच्छा बस हो गया। नाउ इट्स योर टर्न ब्रो। इधर ना ऐसे बहुत सारा बल्कि बहुत अलग अलग तरह की मार्केट, वो भी गिरती मार्केट है, आप देख सकते हो ऐसे पतली पतली गलियां हैं, मार्केट है ये। जूते लेने हैं तो किसी ने आ जाना कुत्ता जी। इधर बहुत सारी मार्केट है, हमने कैसा लगा तुझे लाफिंग? टेस्टी या अच्छा था। इधर कोरियन फूड भी मिलता है गाइस, आप देख सकते हो, अगर किसी को खरीदना हो तो आप इधर आ सकते हो। ये एक कोरियन फूड की शॉप है, इधर सारा कोरियन फूड मिलेगा आपको, देख सकते हो। इधर कपड़े भी मिलेंगे आपको गाइस। एक्सक्यूज मी, नॉर्वे कैफे कहाँ है? आगे से राइट होना है। ओके थैंक यू। कह रहे हमको भी इतना ना पता, कैफ़े में जाना है नॉर्वा कैफ़े, वो हमें मिल ही नहीं रहा, तो अब हमने गूगल पे डाला है, ये मैडम मुझे वहाँ पे पहुँचाएगी। अच्छे से पकड़ना कैमरा, दिख ही रहा है बाहर। इधर गाइस इधर ना बहुत सारी गलियाँ हैं, तो आप कंफ्यूज ना हो क्योंकि एक सी गली एक अटैच है और ये भी ढलान है, हम ऐसे नहीं। बहन तो बाहर की तरफ है, तो बहन रुक मैं किसी से पूछती हूँ। तो हमें फाइनली मिल चुका है, लोग हमें ऐसे देख रहे हैं, बट कोई नहीं। या वरणप्रीत कौर, क्या ओके वरणप्रीत कौर, वरणप्रीत कौर, या थैंक यू। इधर सेकंड फ्लोर भी है और इधर ना टेरेस भी है, तो हम पहले ना सेकंड फ्लोर दिखाते हैं फिर हम टेरेस दिखाते हैं। बाहर इतना बड़ा बड़ा टीएम किचन लिखा भी हुआ था, फिर भी वो माइंड से स्किप हो गया, मुझे लगा ये नॉर्वे का फर्स्ट सेकंड फ्लोर है, इसके ऊपर भी है, मतलब मैं गलती से एंटर हो गई। बाद में दिमाग जब देख रही थी क्लिप तब पता चला कि टीएम कैफे था। पहले इधर आके मैंने तो पानी ऑर्डर किया क्योंकि हम घर से पानी की वाटर बॉटल नहीं लाए, पानी में वैसे भी गर्मी नहीं लाए, पानी तो बहुत जरूरी है। क्या वो वाला कर रहे हैं ना पानी ऐसे करके पैर ऐसे करके पानी को नहीं कर। मतलब इनकी सर्विस ना अच्छी है, हमने अभी ऑर्डर करा था और अभी आ गया झट से, अभी वेट नहीं करना पड़ेगा।
देख रहे हो गाइस। बहुत ज़्यादा बढ़ता है यार, पर अच्छा है, जैसे फ्रेश लाइम सोडा होता है ना वैसे ही है। हमने खट्टा मीठा मिक्स बोला था, इसलिए उसके अकॉर्डिंग परफेक्ट है। और इसकी डिलीवरी भी सही, डिलीवरी कह रही हूँ, मतलब सही टाइम पे आ गया। जैसे हमने ऑर्डर किया उसके 2 मिनट बाद ही आ गया, बट अभी हमने सैंडविच ऑर्डर किया है वो नहीं आया, तो उसकी वेट कर रहे हैं। फिर हम ये अपने साथ साथ ड्रिंक पिएंगे सही। और आज मतलब क्या हुआ, हमने जाना था ऊपर बैठने टेरेस पे, पर उन्होंने कहा कि वो 5:30 बजे ओपन होगा और अभी बज रहे हैं 4:30, मीन 5 बनने वाले हैं 4:30। सो या फिर हम नीचे बैठ गए यहाँ पर, हम ऊपर फोटोज क्लिक करने लगे, उन्होंने अलाउ कर दिया। तो पहले हम अपना खाते हैं खाना, फिर हम चलते हैं ऊपर फोटो क्लिक करने। अब मेरा सैंडविच आने वाला है, मैं आपको फिर आपको दिखाती हूँ पूरी बढ़िया कैसा है, टेस्ट करके बताते हैं कैसा है। फिर मिलते हैं आपको ऊपर। अभी ये लूप खोल क्यों रही है, ये खोलते नहीं है, ये डिज़ाइन होता है ऐसे। भाई भाई ये पहली बार आई है ना होटल में, होटल कह रहे रेस्टोरेंट रेस्टोरेंट में, इसलिए दोबारा वैसे ही कर दिया। भाई अब बताना गाइस, ये इसको खोलते हैं या नहीं खोलते हैं, ठीक है? ये पहले तो पहली बार आई है ना, तो पहली बार आई है ना। लंबी सिप लगा के दिखा यार, एक लंबी सिप मारना तो क्या करता तेरा, अपने आप को दिखा दे पहले लगा। मेरा तो कम है बस, और मेरा देख चल अपन पी के दिखा। अभी हो रहे हैं 17:01 हो रहा है, 17:02 हुआ है अभी अभी, मतलब 5 हो, मैं 5:03 तक ख़त्म कर दूँगी। एक देख लंबी लंबी और कटा है। भाई मैंने भी तो पिया है, देख कितना सा बचा है, मैं भी पी लेती कोई नहीं। भाई बराबर बराबर, भाई तेरा तो मुझसे भी कम हो गया। डन ब्रो डन, ये एटिकेट्स होते हैं ना, छोड़ना चाहिए। बच्चा खा लेती हूँ, मेरा बहुत टेस्ट करता हूँ, बच्चा कुछ खा ले, ये सब साफ करना चाहिए। भूखड़ लग रही है यार मुझसे भी ज़्यादा, और खाना खा ले, मैं तो खा ही रही थी यार, लोग देख रहे हैं, हंस रहे हैं। छोड़ना लोगों को काम में देखना, बोलना हंसना, चल चल यार ना, तो हो गया चल जा, ताशी बर्तन साफ कर रहा है। आया चलो ऊपर चलते हैं गाइस। हम कितनी बड़ी ग्रीस में पहुंच गए हैं गाइस, इधर धूप आ रही है, इधर सही है। हाँ तो हमने इधर का फूड टेस्ट किया, अच्छा था, हमने ज़्यादा कुछ खाया नहीं क्योंकि हमें जाना था कोरियन रेस्टोरेंट, बट अभी ही 5:30 हो गए हैं तो घर जाते जाते बहुत लेट हो जाएगा, तो हम नेक्स्ट टाइम प्लान बनाएंगे। हाँ बनाएंगे ना, अगर ये नहीं आए ना गाइस तो इसको कमेंट करना, इसके इंस्टाग्राम पर मैं मैंशन कर दूँगी नीचे, ठीक है? इसको बोलना चले मेरे साथ, चले मेरे साथ। और वैसे व्यू बहुत जोर से प्यारा है, मैं आपको दिखाती हूँ। और अभी हम इधर फोटोज वोटोज क्लिक करेंगे, हवा भी अच्छी चल रही है, व्यू दिखाती हूँ गाइस, रुको।
तो कैसा रहा था मेरा एक्सपीरियंस? मुझे तो बहुत अच्छा लगा, पसीने आ गए बट फिर हमने वैसे एक जगह जाना था, हम इस बारी नहीं जा सके क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे। हाँ नॉर्वे कैफे हम जरूर विजिट कर सकते हो, अच्छा था, अच्छा था ना? सो हमारा एक्सपीरियंस अच्छा रहा, हमने खाने से ज़्यादा फोटोज़ खींचे गाइस। हाँ तो बहुत अच्छा रहा, हम नेक्स्ट टाइम फिर से आएंगे कोरियन कुजीन ट्राई करने, तो तब भी हम ब्लॉग जरूर बनाएंगे। हमने खा पी तो लिया, अब हम घर वालों के लिए लाफिंग पैक कर रहे हैं क्योंकि हम भी फर्स्ट टाइम आए थे, उन्होंने भी नहीं खाया, उन्होंने भी नहीं खाया, तो हम घर वालों को अपने टेस्ट करवाना चाहते हैं, तो इसलिए अपने अपने घर लेकर जा रहे हैं। देख रहे हो कितने अच्छे हैं हम, बहुत अच्छे हैं। हाँ हम अपने घर वालों को ही सोचते हैं, पर ये बच्चे ने ठोक दिया बेचारी, ये बच्चे ने क्यूट है यार, है ना? तो अभी हम आंटी से पैक करवा रहे हैं लाफिंग, फिर हम घर लेके जाएंगे। तो यार हमें फाइनली उसके बाहर ही ई रिक्शा मिल गया और हम बैठ चुके हैं, तो अब हम जा रहे हैं मेट्रो स्टेशन, मेट्रो लेंगे फिर हम जाएंगे घर। ये अब हम जा रहे हैं अपने अपने घर, ये अपने घर जा रही है, मैं अपने घर जा रही हूँ। तो कैसा लगा डाल बहुत मज़ा आया, पता ही चला टाइम का कैसे निकल गया। हमारे हमने तो बहुत ज़्यादा मज़े करे, आई होप आप भी मज़े करो हमारी ये व्लॉग देख के। सो मिलते हैं, ये मिलेगी मतलब नेक्स्ट व्लॉग में, मैं तो मिलती रहूँगी। सो या बाय बाय करते हैं। Like you are. So yeah, मैं आ गई हूँ घर, हो गया मुझे हाफ एन आवर था, तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, फर्स्ट एक्सपीरियंस था एक्चुअली। हमें ना इसके बाद हमें मैंने सोचा था ऐसे प्लान करा था, पहले हम लाफिंग खा लेंगे फिर उसके बाद नॉर्वे कैफे जाएंगे, ठीक है वो पार्ट वन हो जाएगा, फिर उसके बाद हम ना उधर जाएंगे कोरियन रेस्टोरेंट जाएंगे, तो वो पार्ट टू हो जाएगा। बट बहुत टाइम हो गया था, मतलब अंधेरा हो गया था, तो उससे पहले घर भी आना था, तो इसीलिए हमने कहा नेक्स्ट टाइम प्लान बनाएंगे कोरियन रेस्टोरेंट का। इस बार ही हम नॉर्वे ही गए, तो उसके मैंने ब्लॉग कर दी, तो जब हम नेक्स्ट कभी फिर से मजनू गटीला जाएंगे तो हम कोरियन फूड ज़रूर ट्राई करेंगे जो कि इस बारी का रह गया। तो आई होप आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट करना मत भूलना, और प्लीज़ प्लीज़ जल्दी जल्दी 1K कर दो गाइस, प्लीज़ बी लव यू ऑल।